नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। झालावाड़ जिले के झालरापाटन क्षेत्र में गत 6 जनवरी को गौ तस्करों को रोकने का प्रयास कर रहे गौ रक्षक पर वाहन चढ़ाकर हमले का प्रयास किया गया था, जिसमें गौ रक्षक विनीत पोरवाल गंभीर घायल हो गए थे। घटना में आक्रोशित गौपुत्र सेना के सदस्यों और गौरक्षकों ने आज शहर के पशु चिकित्सालय से मिनी सचिवालय तक आक्रोश रैली निकाली और मिनी सचिवालय पहुंचकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, जिले में गौ तस्करी पर प्रभावी रोकथाम तथा गौरक्षकों को पुलिस सहयोग उपलब्ध कराने की मांग की गई। बाद में गौरक्षकों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश मालव तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीणा को ज्ञापन देकर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। लगातार झालावाड़ जिले में वो तस्करी हो रही है। 50 रुपए के स्टैम्प पे मात्र तस्कर छूट जाते हैं। इनके खिलाफ सख्त धाराएं लगाते हुए इनको 10 वर्ष की सजा कम से कम होना चाहिए। इसी धाराओं का प्रशासन के पास अधिकार होने के बाद उपयोग नहीं करते हैं और गोवंश गौशाला नहीं पहुंचने के पहले गो तस्कर छूट जाते हैं। लगातार गो तस्करी झालावाड़ जिले पर चरम सीमा पर है और जिस प्रकार से विनीत जी पर हमला हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके मुख्य सरगना कौन है कौन नहीं, उनको पकड़कर ऐसे अपराधियों का उत्तर प्रदेश जैसे इनकाउंटर करें, ये हमारी सरकार से मांग है। गोरक्षा हिंदू दल प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान।